मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उनका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे, गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है, जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा, बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहां ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा, गैस सिलेंडर है? कहा, है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा, भर सकती हो? कहती है, नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा, घर पे काम कौन करता है? उसने कहा, कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। मैंने कहा, कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा, थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा, भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा, दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी, खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा, वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा, अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।